महिंद्रा थार दावा करती है आपके जीप वाले सपने को पूरा करने का बिना बैंक में डाका डाले। इसके ओल्ड स्कूल लुक्स और ऑफ रोडिंग वीडियोज़ देखकर अगर आपका भी दिल मचल रहा है, आपको इसे घर ले आने का मन कर रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या ये फैसला सही होगा? चलिए बताते हैं आपको थार के प्रोस और कॉन्स। शुरुआत करते हैं थार के पॉजिटिव्स के साथ। वेलकम बैक टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। थार का डिज़ाइन सिंपल है, बॉक्सी है और रेट्रो भी। इसके सिंपल राउंड हेडलैम्प्स, फ्लैट और अपराइट बॉनेट और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसे एक क्लासिक लुक देते हैं। टॉप स्पेक एलेक्स मॉडल में 18 इंच के अलॉय व्हील्स, डे टाइम रनिंग लैंप्स और फॉग लैंप्स जैसे फीचर्स भी मौजूद है। इतना ही नहीं, ये फैक्ट्री से ही सॉफ्ट टॉप, कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप के साथ अवेलेबल है। नए जनरेशन के साथ ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आपके पड़ोसी ही नहीं पूरा मोहल्ला मुड़ मुड़ के देखेगा। अगर आपको एक हट्टी कट्टी गाड़ी के साथ साथ एक स्टाइल स्टेटमेंट भी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर लोग आपको रास्ता दे दे, तो थार आपको खूब पसंद आएगी। पिछले थार में फीचर्स ना के बराबर थे, और हम कोई फैंसी फीचर्स की बात नहीं कर रहे। बेसिक्स जैसे रिमोट की, सेंट्रल लॉकिंग, फॉग लैंप्स और म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि स्टीयरिंग और सीट में एडजस्टमेंट ऑप्शन भी नहीं था। इस नए जनरेशन के साथ थार फाइनली बेसिक और फील गुड दोनों ही टाइप के फीचर्स ऑफर करती है। अगर हाइलाइट्स की बात करें तो टॉप मॉडल में एक 7 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है विद फीचर्स लाइक ड्यूल एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स एंड ESP। अब बेसिक फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक मिरर्स, पावर विंडोज, डे नाइट इनसाइड मिरर, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। इसका कैबिन अब प्रैक्टिकल भी है, तो डोर में बॉटल होल्डर्स, सेंटर स्टैक में कप होल्डर्स और वॉलेट और फोन रखने की जगह मौजूद है। महिंद्रा थार के साथ दो इंजन ऑप्शंस ऑफर कर रही है, एक 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और एक 2.2 लीटर का डीजल। खुशी की बात यह है कि दोनों इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है। और तो और, दोनों इंजन पावर और टॉर्क के मामले में दमदार है। शहर में चलाना हो, रोड ट्रिप्स करने हो या ऑफ रोडिंग, थार के इंजन आपको निराश नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक के वजह से थार को सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाना भी एफर्टलेस हो गया है। हाँ, सभी इंजन गियरबॉक्स ऑप्शंस सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। ये ग्राफिक देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको थार का डिटेल्ड वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो तुरंत ही सब्सक्राइब दबा दीजिए, वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। इस प्राइस रेंज में फिलहाल महिंद्रा की थार इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें आप प्रॉपरली ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। 4x4 थार के सभी वेरिएंट्स में मिलता है और मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल भी। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी 226 मिलीमीटर की है। अगर अप्रोच, रैंप ओवर और डिपार्चर एंगल्स देखें तो वो भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। हिल डिसेंट कंट्रोल जैसा यूजफुल फीचर भी अब थार में अवेलेबल है। रोड्स हो या ना हो, थार आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का दमखम रखती है। और अगर आप भी ऐसे घुमक्कड़ किस्म के हैं, आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, तो थार आपकी रिक्वायरमेंट पर फिट बैठती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वो रीजंस जो महिंद्रा थार के फेवर में नहीं है। बिफोर यू बाय अ न्यू कार, मेक श्योर यू विजिट द कार देखो ऐप, कंपेयर कार्स, चेक आउट एक्सपर्ट रिव्यूज, गेट द बेस्ट ऑफर एंड डिस्काउंट्स। डाउनलोड द कार देखो ऐप टुडे। थार पहले के मुकाबले अनडाउटेडली बेटर है, लेकिन अगर आप इसे आपकी इकलौती फैमिली कार की नज़र से देख रहे हैं तो शायद ये निराश करे। 2 डोर होने की वजह से रियर सीट्स में बैठना और उतरना आसान नहीं है। रियर सीट्स में फुट रूम की किल्लत महसूस होगी, हालांकि नी रूम और हेड रूम ठीक ठाक है। लेकिन थार आपको पैसेंजर्स और उनके लगेज के बीच में किसी एक को चुनने पर मजबूर कर देगी। रियर सीट अगर यूज़ में है तो बूट स्पेस ना के बराबर मिलती है। हाँ, अगर आप थार को एज अ 2-सीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रियर सीट्स फोल्ड हो जाते हैं। सैडली फ्लैट फोल्ड मिसिंग है।
अपनी ग्राउंड क्लियरेंस और बड़ी टायर्स की बदौलत महिंद्रा थार को खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स, खराब रास्ते, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये गलत फहमी मत पालिए कि थार की ऑन रोड राइड क्वालिटी किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी या सेडान जितनी स्मूथ होगी। कैबिन के अंदर आपको वर्टिकल मूवमेंट फील होगा, चाहे रास्ता कितना भी स्मूथ क्यों ना हो। ये आपको लॉन्ग ट्रिप्स पर थका सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और एक बॉक्सी लैडर फ्रेम एसयूवी होने की वजह से इसमें भरपूर बॉडी रोल महसूस होता है, तो घाट वाले रास्तों पर थोड़ा संभल के चलना होगा। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनकी आपको आदत थार में डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका पेडल बॉक्स काफ़ी क्रैम्प्ड है और डेड पेडल मौजूद नहीं है। ग्लव बॉक्स भी बहुत छोटा है। फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट मिसिंग है। फ्यूल लिड खोलने के लिए आपको चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइनली, इसके छोटे रियर विंडस्क्रीन और स्पेयर व्हील के वजह से रियर विजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, तो पार्किंग के समय रियर कैमरा की कमी आपको ज़रूर खलेगी। एलेक्स वेरिएंट में रियर कैमरा शुड हैव बीन स्टैंडर्ड, ना कि एक एक्सेसरी। ओवरऑल थार की वीकनेस ये है कि ये आपके घर की इकलौती गाड़ी नहीं बन सकती। स्पेस, बूट स्पेस और राइड के मामले में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो शायद आपके परिवार को मंजूर ना हो। और हाँ, इसकी प्राइसिंग स्पेशली टॉप वेरिएंट्स की शायद सभी को हजम ना हो। अगर आप थार को कंसिडर कर रहे हैं एज योर सेकेंड और थर्ड व्हीकल, तब हम कहेंगे यू शुड गो फॉर इट। ये पहले के मुकाबले बेहतर है, नो डाउट अबाउट इट। पेट्रोल इंजन, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और मॉडर्न फीचर्स के साथ ये ज़्यादा अपीलिंग भी हो गई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें थार जैसी बॉक्सी डिज़ाइन वाली एसयूवी तो पसंद है, लेकिन उसके साथ आने वाले कॉम्प्रोमाइजेस नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हो तो उन्हें कॉमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रुक नहीं सकते पर सेफ तो रख सकते हैं ना। घर बैठे कार्स कंपेयर करो, एक्सपर्ट रिव्यूज पढ़ो और हर एंगल से कार देखकर बेस्ट डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स के साथ नई कार ले लो। डाउनलोड कार देखो ऐप नाउ।